In this question, if two cubes of dimension 3 cm by 3 cm by 3 cm are placed side by side, the surface area of the resulting cuboid. तो अगर two cubes है, उसकी side length क्या है? 3 cm. तो ये 3 cm होगी, ये भी 3 cm हो जाएगी, ये 3 cm हो जाएगी, और ये height भी 3 cm. तो अगर length देखे, तो length क्या हो जाएगा? अगर दोनों cube को join करेंगे, तो length will be equal to 3 + 3, that is equal to 6 cm. अगर क्यूबॉइड को कंसीडर करें तो, और ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी? 3 cm के इक्वल, और हाइट क्या हो जाएगी? 3 cm, क्योंकि दो क्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसकी सिर्फ लेंथ में चेंज होगा, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम रहेंगे. और सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 × lb + bh + hl. ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 6 × 3 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 3 × 3 प्लस 3 × 6. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 18 + 18 + 9. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 + 9 × 2. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 5 = 45 cm². तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? सरफेस एरिया 90 cm². सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड हियर इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी.